बाकी रेड हवाला कारोबारी के ठिकाने पर आईटी की टीम ने छापेमारी की। बता दें कि कैलाश खत्री के घर से 26 लाख रुपए मिले, 22 लाख के नए, 4 लाख के पुराने नोट मिले। मामले में पुलिस अब कई एंगल से जांच करेगी। आगरा और मुंबई के नेटवर्क को भी लेकर जांच की जाएगी। तो अशोका गार्डन इलाके में आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। आपको बता दें कि हवाला कारोबारी के ठिकाने पर ये आईटी की टीम ने छापा मारा है। कैलाश खत्री के घर से 26 लाख रुपए मिले, तो 22 लाख के नए और 4 लाख के पुराने नोट बरामद यहां पर हुए हैं टीम को। मामले में पुलिस अब कई एंगल से जांच करेगी। आगरा और मुंबई के नेटवर्क को लेकर भी जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अशोका गार्डन इलाके में आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, कैलाश खत्री के घर से 26 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं, क्या अभी भी यहां पर छापेमार कार्रवाई जारी है? कौन कौन से ऐसे और इलाके हो सकते हैं जहां पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कल शाम को अशोका गार्डन पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कैलाश खत्री नामक व्यक्ति के घर पे भारी संख्या में पैसे रखे हुए हैं, और इसके बाद पुलिस ने घर पर पहुंचकर एक सर्च किया था। सर्च में ये पाया गया था कि जो घर के अंदर का बिस्तर था उसके नीचे पूरी नोटों की गड्डियां बिछी हुई थी, और इसके अलावा घर में और भी कई कई पॉइंट पर बहुत सारा पैसा यहाँ पे छुपाया हुआ था। हालांकि ये जो पूरे डिनोमिनेशन थे, ये 5 के, 10 के, 20 के और 50 के नोटों के गड्डियां थी, क्योंकि जब सर्चिंग की गई, पूछताछ की गई, तो ये चीज निकलकर सामने आई कि कैलाश खत्री मनी एक्सचेंज का काम करता है। लंबे समय से ये काम कर रहा था, लेकिन ये जो पूरा काम होता है ये पूरा इलीगल होता है, क्योंकि इसके लिए किसी भी तरह का लाइसेंस या किसी भी तरह का कोई अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन ये मार्केट से ऐसे फटे गले नोट और जो पुराने नोट थे उनको ये कलेक्ट करता था, उसके बाद ये बैंक में जाकर पहले एक्सचेंज किया करता था। इसका जो काम था पहले पंजाब में बैंक के साथ था, लेकिन फिर ये खत्म हुआ और उसके बाद इसने यही काम मुंबई और आगरा में करना शुरू किया। ये यहाँ से पैसे लेके मुंबई और आगरा जाता था और वहां से नई करेंसी को लेकर आता था, और ये जो पूरी नई करेंसी है ये करीब 22 लाख रुपए की इसकी घर से बरामद हुई है, और जो पुराने नोट हैं वो करीब 4.5 लाख के आसपास बरामद किए गए हैं। अब पुलिस इस मामले में इस एंगल से जांच कर रही है कि जहां से ये नई करेंसी लेकर आता था वो किस तरह का नेटवर्क है, क्योंकि मुंबई और आगरा से जहां से ये पैसे लेके आता था वो कोई बैंक नहीं था बल्कि कोई प्राइवेट व्यक्ति था, और ऐसे में किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास भारतीय करेंसी में इतने ज्यादा तादाद में नोट्स हैं जो इसको एक्सचेंज करके पैसे दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस पूरे मामले में संदेह है। और इस मामले को लेकर अब पुलिस इस एंगल से भी जांच करेगी कि आगरा और मुंबई में इसके किस तरह के लिंक थे, किन लोगों से ये पैसे एक्सचेंज किया करता था और क्या इसके पीछे पूरी प्रोसेस रहा करती थी। फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इसके पास से जो पैसे मिले हैं उसको जब्त कर लिया गया है इनकम टैक्स विभाग को। गौरव, ये भी बताया जा रहा है कि इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, कैलाश खत्री, उसके भाई और उसके परिवार के कुछ सदस्यों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनसे इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो नोटों का ये पूरा एक्सचेंज का काम था इसमें उसके फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे। अब किस तरीके से ये पूरा एक्सचेंज का काम किया जा रहा था, इसको किस तरीके से इसमें फायदा होता था, सबसे बड़ी बात की ये पैसा वहां तक कैसे पहुंचाता था और वहां से पैसा कैसे लेके आता था, क्या हवाला के माध्यम से पूरा पैसा इधर से उधर हो रहा था, इसके अलावा क्या और भी बड़ी करेंसी में इसने कोई बड़ी ट्रांजेक्शन की है, क्योंकि इसे घर से जो रेड की गई है इसमें तो छोटे नोट्स मिले हैं, क्योंकि बड़े नोट्स में भी हो सकता है शायद ये काम करता हो। और इसको लेकर अब जो है पूरे एंगल्स में पुलिस मामले में जांच कर रही है। जो आरोपी पकड़ाया है कैलाश खत्री, उससे बातचीत की जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी, इनकम टैक्स विभाग भी इससे पूछताछ कर रहा है। इतना ही नहीं, इसके जो बैंक अकाउंट है, इसके जो ट्रांजेक्शन है, इसकी जो संपत्तियां हैं उसको भी इसको खंगाला जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरह का व्यापार इसका नहीं था। ऐसे में किस तरीके से ये अपना पूरा खर्चा चला रहा था, किस तरीके से अपनी संपत्ति जनरेट की है, तो ये पूरी जो जानकारी है पुलिस और इनकम टैक्स विभाग तटोल रहा है। इसके बाद आगरा और मुंबई का जो उसका पूरा लिंक है उसको लेकर अभी जांच की जाएगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब अगर पैसों की बात आती है, इंडियन करेंसी की बात आती है, अगर वो किसी इलीगल तरीके से एक्सचेंज की जा रही है तो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी ये पूरा इश्यू क्रिएट हो जाता है। हालांकि कितना बड़ा मामला है ये तो जांच के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन और जांच होनी है। गौरव, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया।